बाबा जी, हाँ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और कलयुग के भगवान ही हैं हमारे लिए आप। और मुझे, जब मैं गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करती थी तो 2003 से मुझे स्पेंडोलाइटिस की सीवियर प्रॉब्लम थी बाबा जी। और शादी के बाद मैंने 2005 से आपको कंटिन्यू टीवी पे देख के फॉलो किया, मेरी मम्मी जी के साथ, मेरी सासू माँ के साथ। अच्छा। तो हम दोनों टीवी चालू कर लेते 4:30 बजे से और डेली आपका योगा करते देखते। खड़ी हो जाओ माता जी, मेरी मम्मी जी और मैं। हाँ, ये अच्छी बात है। ऐसी सासू माँ सबको मिले। जी जी बाबा, जो योग के मार्ग पर लगाए। बिल्कुल, योग के साथ। और बाबा जी, मुझे जो सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस का प्रॉब्लम था वो भुजंग आसन करके और आपने पीठ और कमर को सीधे करने के जो आसन बताए थे वो करके मैंने एकदम ठीक कर लिया बाबा जी। नहीं तो मतलब इतना सीवियर प्रॉब्लम था कि पूरा चक्कर आके पूरा हाथों में झनझनी और पहुंच जाती थी और एकदम तेज दर्द होता था मुझे। लेकिन वो सब मैंने एकदम ठीक कर लिया है बाबा जी। उसके बाद डिलीवरी के समय मुझे वेरिकोसा वेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, ये वेरिकोज वेन्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा। तो वो भी योगा कर करके, मम्मी और मैंने टीवी पे देखकर आपको फॉलो करके सब ठीक कर लिया बाबा जी। मेरे जॉइंट फैमिली से हूँ मैं और मेरे पूरे परिवार ने आपको फॉलो किया बाबा जी। आपका योगा बच्चों सहित सबने किया। और हम बाबा जी रात में हल्दी अदरक का जो दूध पीने बताए थे, पूरी फैमिली दूध पीती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर पूरे शरीर में वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कब बढ़ गया, अरे बाबा ये क्या हो गया। और मैं तो ये भी बोलूंगी बाबा जी कि भगवान शिव की विशेष कृपा है जो आज आपसे हम लोग की मुलाकात हुई, जो उनको एक लोटा जल चढ़ाती हूँ सफल हुआ आज। बाबा एक लोटा जल सब समस्याओं का हल भगवान जी पर चढ़ाओ और अपने भाई शिव जी की तरह समाधि में रहो, निर्विकार रहो, शील में रहो। हाँ। अरे मैया, ये ऐसी सासू माँ, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। तेरी बहू तेरे को कष्ट तो नहीं देती ना? नहीं नहीं नहीं, मैं 20 साल से आपको टीवी पे देख के करती हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी रही हूँ, 7वीं क्लास पढ़ी हूँ। अरे मैया, 7वीं तो बहुत है। ज्यादा स्तुति आती नहीं है मेरे को कुछ भी। मैं प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। ऐसी सासू माँ और ऐसी बहु भगवान सबको दे जो अपने बच्चों को योग के मार्ग पर चलाए। जोरदार अभिनंदन है भाई मैया का। मैया, पढ़ाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी जीवन में भलाई है, धर्म है, भगवान है, बस। और अपना कितनी फिट है एकदम, नहीं तो सासू माँ और बहू का तो कंपटीशन होता है आजकल वेट बढ़ने में। बहुत बड़ा परिवार है। जा जा, चलो सब पर अच्छा परिवार है, सात्विक परिवार है। जाओ मैया, प्रणाम। तो ऐसे अपने परिवार को योग के रास्ते पर चलाओ।